हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ट्रफल की रेसिपी। तो चलो जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जैसे कि देख सकते हैं, एक ठंडा बाउल मैंने ले लिया है। मैंने इसे कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। एंड इसके बाद मैं इसके अंदर अमूल का व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। पूरा एक मार्केट में इतना छोटा सा डब्बा मिलता है, आप चाहें तो उसे पूरा ही यूज़ कर सकते हैं। और इस बाउल के नीचे मैंने एक कपड़ा रख दिया है ताकि जब हम इसे बीट करें तो हमारा जो बोल है वो मूव ना हो। इसके बाद हम स्लो स्पीड से बीट करना स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली से इंक्रीज करेंगे जब तक कि ये हल्का सा थिक ना हो जाए और बहुत ज़्यादा यू नो फ्लफ़ी जैसा आपको ना लगे। इस तब तक हमें इसे बीट करना है। बीट करने के बाद हम इसे साइड में रख लेंगे। एक दूसरे बाउल में मैं 4 से 5 हाइड एंड सीक बिस्किट ले रही हूँ और इसे इस तरह से क्रश कर ले रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। और देख सकते हैं मैंने इसे क्रश कर लिया है। आप चाहें तो मोटा पेसल का यूज़ कर सकते हैं या जिस मेथड से आप थोड़ा सा हार्ड पीसेस भी होना चाहिए, बड़ा पीसेस भी और ग्रैनुलर भी। इसके बाद मैं 4 से 5 स्लाइस ले रही हूँ फ्रूट केक का। आपको जो भी फ्रूट केक आपके आसपास मिले आप उसे ले सकते हैं और हम इसे भी एक बार अच्छे से क्रश कर लेंगे। और इस रेसिपी में अगर आपको ज़्यादा बनाना है ज़्यादा लोगों के लिए तो आप क्या कर सकते हैं ना, जो क्वांटिटीज़ हैं उसको आप अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी तरह। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये क्रश हो गया है। छोटे पोर्शंस में भी बना के हम दे सकते हैं, जैसे बहुत लोगों को डेजर्ट खाने का मन नहीं करता राइट, उन केसेस में। और कुछ इस तरह से इसे हमें क्रश कर लेना है। इसके बाद मैं एक पाइपिंग बैग ले रही हूँ और इसके अंदर हमारा जो व्हिप क्रीम है ना उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप सिंपली स्पून के मदद से भी आप अच्छे से ग्लास में स्प्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं क्योंकि मेरे पास पाइपिंग बैग थी तो इसी की वजह से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और व्हिपिंग क्रीम जैसे ही आप बनाएं तुरंत ही इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दे आप। और इसके बाद हम चलते हैं प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। तो एक मैंने छोटा ग्लास ले लिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक बिस्किट का लेयर स्प्रेड कर रही हूँ। इसके बाद इसके ऊपर से मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम आपको थिक चाहिए, हल्का सा तो आप थिक रखिए। और अगर आपको थोड़ा सा इसको आप करना है ना, मतलब एकदम थिन रखना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसके अंदर जो क्रश किया हुआ केक है वो डाला है। इसके बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा और व्हिपिंग क्रीम मैं डाल रही हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये निकल रहा है। तो अच्छे से व्हिप्ड करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और हमने इसमें शुगर भी नहीं डाला है, तो यू नो जिनको थोड़ा शुगर से प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये अच्छा होगा। और इसके बाद ऊपर से मैंने इसको वह बिस्किट डाल दिया है। तो और हमारा रेसिपी बिल्कुल भी रेडी है। तो आई होप आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आई तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी आप सबको। तो चलो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।